लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सभी दोस्तों को मेरा समाज सेविका रिया झंगड़ा का नमस्कार। आज मैं एक छोटे से मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ और मेरा मुद्दा है बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों की शिक्षा को लेके। बच्चों की शिक्षा को लेके मेरा ये मुद्दा है कि आजकल जो कोरोना महामारी फैलते हुए हमें जो होमवर्क मिल रहा है बच्चों का, वो स्टडी एट होम मिल रहा है, तो उस काम को करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है। बड़ी ही दिक्कतों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। एक तरफ बच्चों का काम बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस मॉडम के साथ, जिस वीडियोज के साथ मैथोमेटिक का वर्क बच्चों को मिल रहा है, उस वर्क को करवाने में पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं। कई पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, कई पेरेंट्स बिल्कुल ही असमर्थ है उस कार्य को करवाने में, और उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की ये डिमांड है कि बच्चों की फ़ीस टाइम टू टाइम स्कूल में जमा करवाएं। सरकारी स्कूलों को जो बच्चे हैं उनको भी काम ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन मैं अपनी ये एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा सिस्टम तो कर दिया कि स्टडी एट होम ऑनलाइन वर्क बच्चों को जो दे रहे हैं वो मोबाइल के जरिए दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से मैं एक मांग ये करती हूँ कि जो एक मजदूर है, जो एक बिल्कुल ही थर्ड क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी एजुकेटेड बंदा नहीं है, जिसको मोबाइल चलाने का पता नहीं है, जिसके घर में मोबाइल ही नहीं है, उस बच्चे का इन फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा कैसे अपनी स्टडी पूरी कर पाएगा? वो बच्चा अगर ट्यूशन भेजते हैं तो बेरोजगारी की दिक्कत आती है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं आजकल हर काम धंधे बंद हुए पड़े हैं। जहाँ भी जाओ महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई भी चीज़ खरीदो उसमें भी महंगाई बढ़ रही है। मेरा जो प्राइवेट स्कूल है उन सभी से एक निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया अपनी फीस या तो मीटिंग करके, पेरेंट्स मीटिंग करके उसमें थोड़ा सा कंसेशन कीजिए, या फिर आप एक ग्रेड तैयार कीजिए कि फोर्थ ग्रेड के जो लोग हैं, थर्ड ग्रेड के जो लोग हैं, या फिर उसमें ये लगा लीजिए कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके बच्चों को देखते हुए, मजदूर के बच्चों को देखते हुए ज़रा सा सहयोग आप भी करें और उस फीस में थोड़ा बहुत कंसेशन भी करें, क्योंकि एक मजदूर मंथली फीस 1000-1500 रुपये देने में बहुत ही असमर्थ है, असहाय महसूस करता है। हमारे पास कई बार ऐसी शिकायतें लोगों की आ रही हैं कि उन बच्चों को ऑनलाइन वर्क तो मिल रहा है, लेकिन उन बच्चों की जो एक मानसिक स्थिति है, एक समझने की स्थिति है, उस पर भारी असर पड़ रहा है। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये वर्क कैसे किया जाए। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों की बुक्स जो हैं वो बड़ी महंगी मिल रही हैं। कई संस्थाएं हैं, हमने भी अपनी संस्था के माध्यम से कई ज़रूरतमंद बच्चों तक अपनी पुरानी बुक्स अनदर बच्चों से लेके अनदर बच्चों को दी हैं। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूँ, एक अपील करती हूँ, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं कृपया सहयोग करें ऐसे लोगों का जो किताबें खरीदने में असमर्थ है। हमें बच्चों के, किड्स के फ्यूचर को लेकर चलना है और उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारा समाज में कर्तव्य भी बनता है, हमारी सरकार का भी कर्तव्य बनता है। कृपया एक आम आदमी को और एक ऊंच श्रेणी के आदमी को देख के ही सेवाएं उपलब्ध करवाएं सरकार। और बच्चे जो हैं उनसे भी मैं एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ, कृपया अपना जो होमवर्क मिल रहा है उसे प्रॉपर तरीके से करें, अपने खेलने कूदने का समय अलग से निर्धारित करें, स्कूल का काम जो है उसका समय अलग से निर्धारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिया झंगड़ा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अपना सहयोग जरूर दें माता पिता, उनके साथ हर समय बैठें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और बच्चों को इसके अलावा हमारे देश में, समाज में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी जरूर दें माता पिता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।